अस्सलाम वालेकुम डियर आल फिश फार्मर्स, मैं अब्दुल्ला सुमरो। अपने तजुर्बात में से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फ़िश फार्मिंग बड़ा एक टफ़ काम है और ये बड़ा सोच समझ के आपको करना है। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़िश फार्मिंग जो शख्स करना चाहे कर सकता है और उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। बिल्कुल हकीकत पे मबनी में आपको चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले के पॉइंट नंबर वन, ज़मीन आपकी अपनी होनी चाहिए भाई। अगर ज़मीन आपकी अपनी होगी तो आप सबसे पहले तो आप लोकल होंगे, आप उस गांव के होंगे, तो आपकी मछली चोरी नहीं होगी, आपके चीज़ें कंट्रोल में होंगी और चौकीदार आपका अपना होगा जो आपसे डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि वो चोरी चकारी से और किसी फ्रॉडबाजी से और इन चीज़ों से वो हमेशा एक डरता रहेगा कि नहीं साहब किसी भी वक्त आ सकता है और साहब की अपनी ज़मीन है और आपको कोई वो धोखा नहीं देगा। इस हिसाब से कि अचानक से कोई आपको जवाब दे दिया उन्होंने और कह दिया कि भाई मैं फला मसला है, मैं तो बस कल से नहीं आ रहा, तो आप उस गांव के होंगे, आप की अपनी ज़मीन होगी, आपको लोग सब जानते होंगे, उसी वक्त आप कोई भी इंतज़ाम कर सकते हैं या फिर आप ख़ुद भी स्टे कर सकते हैं वहाँ पर ना, और चीज़ें बड़ी आपके कंट्रोल में रहेंगी। ये जी पॉइंट नंबर वन है। इंशाल्लाह मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कट बताऊंगा। कोई उसमें वो चीज़ नहीं होगी कि धोखा धड़ी और बस अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी वीडियोस और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं कोई वो चीज़ नहीं, इंशाल्लाह।